आपके साथ ब्रेक के बाद में एक बार फिर से कुछ अगली खास खबरों की ओर बताते चलें। कानपुर से इस वक्त की अगली खबर आ रही है, जहां पर चुनावी माहौल को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जीत तोड़ प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव के द्वारा सपा कार्यालय का किया गया उद्घाटन और उनके स्वागत के लिए हजारों की तादाद में उमड़े लोग। कानपुर में नामांकन का पर्चा भरने के बाद सभी प्रत्याशी अब चुनाव जीतने की तैयारी में एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं मंगलवार को सपा महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के चुनावी केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में शिवपाल सिंह ने शिरकत की। इस दौरान हजारों की तादाद में सपाइयों ने उनका जमकर स्वागत और सम्मान किया। प्रांगण को लाल व हरे गुब्बारों के साथ सजाया गया। शिवपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कानपुर की महापौर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ही बनेंगी और कानपुर की जनता वंदना को ही महापौर बनाएगी और भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएगी। अखिलेश यादव की वीडियो वायरल पर शिवपाल ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं वही इस तरह की हरकतें करते हैं, इसका जवाब जनता देगी।